विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के साथ ही कुटीर लघु उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर राजनांदगांव में स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में भारत में निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के योगेश बागड़ी ने बताया कि स्वदेशी मेला का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है। हम यहाँ प्राथमिकता भी रखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो गांव में रहने वाले हमारे उत्पादक हैं उनको यहाँ पर अवसर मिले, शहर के लोग आकर देखें कि हमारी ग्रामीण जनता में भी जो लोगों में कला है और जो सामान वो बनाते हैं, उत्पाद करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। और पिछले साल भी इस मेले में शहर के लोग जब आए तो उन्होंने बहुत पसंद किया यहाँ के सब जितने भी सामान थे, तो उम्मीद है कि इस वर्ष भी शहर की जनता का अच्छा प्रतिसाद इस मेले को मिलेगा। और लगातार ये चौथा वर्ष है, पर यह चौथे वर्ष में ये स्वदेशी मेला इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि लोग इंतज़ार करते हैं इसका। और आप जैसा देख सकते हैं कि पूरी लोकल की बनी हुई चीज़ों, लोकल फॉर वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है, उस पर आधारित यह मेला है। मेले में पहुंचे लोगों ने स्वदेशी मेला की सराहना करते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे देश में निर्मित वस्तुओं को देखने समझने का मौका मिला है। वैरायटी की बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग जगहों का कलेक्शन एक जगह देखने को बहुत अच्छा लग रहा है और कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। काफी अच्छा लग रहा है, ये तो 3-4 सालों से हो रहा है शायद, है ना, और इस बार भी अच्छा माहौल अच्छा है। और इस कारण यहाँ पे जो भी जो हर जो प्रकार की वस्तुएं एक जगह में मिलने का स्थान मिल जाता है, जिसको जो चाहिए, जिसको देनी चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो डेली यूज की जो चीज़ें हैं, वो पूरा यहाँ पे व्यवस्थित है। भैया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी है कि जो हैंड से बनाई हुई है, उनके हाथों से बनाई हुई चीज़ें नया देखने मिला है। और ये प्रतिवर्ष होता है और जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, और इससे हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शहर में 7 दिन तक एक माहौल बहुत अच्छा बनता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत अच्छी रहती, हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं। और आज हम लोग बाहर से आते हैं यहाँ और हमारे राजनांदगांव की जनता बहुत उत्साह से यहाँ पे 7 दिन तक आती हैं और सब लेती हैं स्टॉल से, घर की चीज़ें हैं इसलिए ज़्यादा अच्छा है। तो हम चाहेंगे कि ये स्वदेशी मेला हर साल लगते रहे और इसी तरह का आयोजन होते रहे अपने राजनांदगांव में। स्वदेशी शब्द में ही इतना अपनापन छुपा है कि जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। हमारे शहर राजनांदगांव जो संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है, वहाँ प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो संस्था इसके लिए इसका बीड़ा उठाती है, सबसे पहले मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ कि वो इतने अच्छे वृहद स्तर पे इस मेले का आयोजन करती है, वो भी निःशुल्क, ताकि हर तबके का व्यक्ति यहाँ आके आनंद ले सके। नहीं तो नीचे जाति के मिडिल क्लास से जो छोटे स्तर के लोग हैं वो इस मेले में नहीं आ पाते। यदि छोटी सी भी राशि रखी जाती है तो वो उसका लाभ नहीं ले सकते। निःशुल्क होने की वजह से हर व्यक्ति यहाँ आ सकता है। और दूसरी बात, मैं हर वर्ष इसका इंतजार करती हूँ, आज प्रथम दिवस है और मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ आ गई हूँ। उल्लेखनीय है कि मेले में बस्तर क्राफ्ट, जांजगीर चांपा की कोसा सिल्क सहित ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पाद के स्टॉल लगाए हैं, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।